अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्क्रीन पे देख के आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक है फाइंड एंड रिप्लेस। हम अपने टेक्स्ट में लिखे हुए वर्ड्स को, अल्फाबेट्स को या नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे और उनको अगर चेंज करना चाहें तो रिप्लेस करेंगे। ये ऑप्शन वहाँ पे यूज़फुल होती है जहाँ पे आपने गलती से एक नाम को मिस स्पेल कर दिया है या उसके स्पेलिंग्स रॉन्ग लिखे हैं और बाद में आपको वो वर्ड मतलब कि वो वर्ड आपके डॉक्यूमेंट में 3-4 दफ़ा आया हुआ है और आपको बार बार उसे पूरे डॉक्यूमेंट को रीड आउट करके ढूंढना पड़ रहा है। सो इस काम से बचने के लिए हम कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं, एमएस वर्ड की हेल्प लेते हैं और हम इस फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के थ्रू अपने उस वर्ड को फाइंड आउट करते हैं और उसके करेक्ट स्पेलिंग्स को रिप्लेस कर देते हैं। सो लेट्स ट्राई इट एंड हमेशा की तरह लेट्स स्टार्ट फाइंड एंड रिप्लेस। अच्छा, तो ये मैंने पहले से एक यहाँ पे पैराग्राफ आपके लिए लिखा हुआ है। इसमें बहुत सारे वर्ड्स बार बार आ रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ आपके लिए ताकि आपको ये फॉन्ट थोड़ा रीडेबल हो जाए इजीली। ठीक है, ये देखिए। अच्छा जी, अब हम इस टॉपिक इसी वाले पैराग्राफ में मुझे यहाँ पे एलिमेंट का वर्ड बार बार नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हम इसी को ढूंढते हैं और इसी को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी करना चाहें तो सिर्फ हम इसका फाइंड आउट वाला तरीका सीख लेते हैं कि दैट हम टेक्स्ट में से अपनी मर्जी के वर्ड को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपकी विंडो की स्क्रीन के सबसे राइट कॉर्नर पे इस साइड पे आपको फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन नज़र आ रही होगी। ये आप मेरा माउस पॉइंटर जहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल क्रॉस बटन के नीचे फाइंड और रिप्लेस ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। आप अगर सिर्फ अपने वर्ड को फाइंड आउट करना चाहें और उसके साथ अपनी मर्जी से चेंजेस करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वर्ड को एक ही दफ़ा चेंज करके सब पे अप्लाई करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रिप्लेस फाइंड पे पहले क्लिक करती हूँ। मैंने फाइंड पे क्लिक किया, एक साइड पे आपके पास विंडो आ गई है, नेविगेशन विंडो। ठीक है, इसके अंदर हम वर्ड लिख देते हैं एलिमेंट। ठीक है, अच्छा अब आप देखें इस पूरे डॉक्यूमेंट में मैंने इस साइड पे नेविगेशन विंडो के अंदर एलिमेंट का वर्ड लिखा और इसने इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी बार एलिमेंट का वर्ड आया था उसको हाईलाइट कर दिया। अब मुझे पता चल गया कि एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है, इस लाइन में है, इस लाइन में है, यहाँ यहाँ। अब मैं इस सारे एलिमेंट्स को अपनी मर्जी से चेंज कर सकती हूँ और अगर नहीं चेंज करना तो जो भी मुझे इसके साथ मतलब इसके आगे फर्दर कुछ टाइपिंग करनी है तो वो सब मैं कर सकती हूँ। आपने देखा कि मुझे पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ना नहीं पड़ा प्रॉपरली, बल्कि मैंने सिर्फ एक ऑप्शन के थ्रू अपने सारे डॉक्यूमेंट को सॉर्ट आउट कर दिया और अपनी मर्जी का डाटा उसमें से निकाल लिया या फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, अब अगर हम इस एलिमेंट के वर्ड को चेंज करना चाहें, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने एलिमेंट किया और सॉरी दोबारा से मैं आपको बताती हूँ, फाइंड वाली ऑप्शन के बिल्कुल नीचे रिप्लेस वाली ऑप्शन है, आपने इसको क्लिक करना है। रिप्लेस पे क्लिक किया, इसके बाद आपके पास ये सारी ऑप्शन आ गई। अच्छा, ये सबसे पहले देखिए फाइंड वाली ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है, गो टू की ऑप्शन भी मौजूद है। फाइंड की ऑप्शन में सिर्फ आपको एक सर्च वाली ऑप्शन आ रही है, यानी आपके पास सिर्फ एक बार आ रही है जहाँ के आप लिख सकते हैं अपना टेक्स्ट, जो भी आप वर्ड सर्च करना चाहें वो लिख सकते हैं। लेकिन जब हम रिप्लेस वाली टैब के ऊपर जाते हैं तो रिप्लेस के ऊपर आपको दो नज़र आ रही हैं, दो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस। ये फाइंड आउट के ऊपर आप लिख सकते हैं कि आपको कौन सा वाला टेक्स्ट फाइंड आउट करना है और रिप्लेस के ऊपर आप लिख सकते हैं कि आपने उसको किससे रिप्लेस करना है। ठीक है, जैसे मैंने एलिमेंट लिखा था, अब एलिमेंट को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, मैं इसको टेक्स्ट के साथ रिप्लेस कर देती हूँ। ठीक है, टेक्स्ट एलिमेंट, एलिमेंट लिखा रहे और साथ में आ जाए टेक्स्ट एलिमेंट। सो ये ठीक है जी, अब आपके एलिमेंट के साथ ही वर्ड टेक्स्ट एलिमेंट लिखा आता रहेगा। अब हम इसको चेंज करके देखते हैं रिप्लेस। अच्छा, अब यहाँ पे 4 बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे आपको नीचे, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, फाइंड नेक्स्ट और कैंसिल। अगर तो आपका काम यहाँ तक ही ख़त्म हो जाता है और आपने सिर्फ इसको फाइंड आउट ही करना है तो आप कैंसिल करके अपने टेक्स्ट अपनी बाकी फाइल के अंदर इस वाली फाइल के अंदर आप बाकी काम अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस ऑप्शन को रिप्लेस करना है, फॉर एग्जांपल मैंने एलिमेंट को टेक्स्ट एलिमेंट्स के साथ रिप्लेस किया, एक दफ़ा मैंने क्लिक किया तो उसने यहाँ जितनी जगह पर भी आपके टेक्स्ट का एलिमेंट का वर्ड आ रहा था उसने इन सबको रिप्लेस करना शुरू कर दिया। ये देखें, सबसे पहले यहाँ पर ये चेंजेस आई। ठीक है, अच्छा टेक्स्ट एलिमेंट हो गया, उसके बाद आप देखिए बाकी हर जगह वैसे का वैसे ही एलिमेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे भी एलिमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सिर्फ एलिमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सिर्फ एलिमेंट लिखा हुआ है। अब मैं रिप्लेस फाइंड नेक्स्ट करूँगी तो वो अगले वाले को चेंज कर देगा। ठीक है, अब देखें उसने अगले वाले वर्ड्स को चेंज करना शुरू कर दिया और अगर मैं रिप्लेस ऑल कर दूँगी तो वो
आपके ये आप मुझे बता रहा है कि यहाँ पे 11 रिप्लेसमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। उसने कहा है कि मैंने 11 रिप्लेसमेंट्स करनी है और फिर मेरा ये काम कंटिन्यू होगा। डू यू वांट इट, तो आप येस कर दें। और अगर आपको 11 टाइम नहीं करना, कम करना है या सबको चेंज नहीं करना, तो आप उसके अकॉर्डिंग वन बाय वन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस विंडो को बंद कर देती हूँ और अब हम इस फाइल को प्रॉपरली दोबारा चेक करते हैं। यहाँ पर भी टेक्स्ट एलिमेंट आ गया, यहाँ पर भी टेक्स्ट एलिमेंट आ गया, इधर भी आ गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब कि जितनी जितनी जगह आपने एलिमेंट का वर्ड पहले लिखा था वो सब के सब आपके अब टेक्स्ट एलिमेंट से रिप्लेस हो चुकी हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैं दोबारा इसको एक दफ़ा आपको रिकैप कर देती हूँ। फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन आपकी इसलिए होती है, जब आपका एक डॉक्यूमेंट काफ़ी लंबा आपने लिख लिया, 5-6 पेजेस आप लिख चुके हैं, और आपको लगा कि कहीं आपका कोई वर्ड मिसस्पेल हो गया है आपसे, या उसके स्पेलिंग्स ठीक नहीं है, या गलती से आपने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डाल दी है, किसी गलत पर्सन का नाम, कोई गलत नंबर आपसे एंटर हो गया है और आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। फाइंड ऑप्शन कहाँ होती है? आपके कंट्रोल पैनल के बिल्कुल नीचे होम टैब के ऊपर। देखिए, मेरा अभी भी होम टैब एक्टिवेट है, मैंने कोई और टैब एक्टिवेट नहीं किया अब तक। होम टैब के ऊपर बिल्कुल लास्ट वाले राइट कॉर्नर पे आपको फाइंड और रिप्लेस की ऑप्शन नज़र आ रही है। अगर आपने वर्ड को सिर्फ फाइंड करना है और उसे खुद से चेंज करना है, तो आप फाइंड पे क्लिक करेंगे। अगर आपने उसको रिप्लेस भी करना है, तो आप रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे दोनों चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। मैं इसको दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ। रिप्लेस के लिए कैसे, सबसे पहले आपने फाइंड में, अब हम टैग को चेंज करेंगे ये, ठीक है। टैग्स को चेंज किया और टैग्स की जगह आप क्या लिख देंगे, पिक्चर्स फॉर एग्जांपल, ठीक है। और मैं इसको रिप्लेस ऑल कर दूंगी। उसके बाद येस, जहाँ जहाँ पे भी टैग का वर्ड लिखा हुआ आ रहा होगा वो पिक्चर के साथ चेंज हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे भी पिक्चर आ गया, और जहाँ जहाँ पे भी और टैग का वर्ड लिखा हुआ था वो पिक्चर से रिप्लेस हो गया। तो इसी तरह से आप अपने वर्ड्स को, स्पेलिंग्स को करेक्ट कर सकते हैं। अब आपने इस काम को प्रैक्टिस करना है और आपने मुझे कॉमेंट्स में बताना है दैट हाउ मच इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू, और आप सब्सक्राइब तो कर ही देंगे ताकि अगला वाला टॉपिक भी जल्दी से आपको उसका नोटिफिकेशन भी आ जाए। थैंक यू एवरी वन, अल्लाह हाफिज़।